39, 30, 31, 32, 33, 34। रोबिता ध्यान से गिनती करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है डोरेमोन, मैं कहाँ था? 37 पर था ना। 37, 38, 39, 40। चुप रहो जियान, फिर मैं भूल जाता हूँ ना। 41, 42। सुनो डोरेमोन, क्या तुम हमें बताओगे कि ये सब क्या हो रहा है? खजाना ढूंढ रहा है। ये तो मजेदार लग रहा है। 51, 52, 53, 54। अजीब बात है, मैं जितनी भी कोशिश करूं यहीं आ जाता हूं। मैं क्या करूं? रेड कार वाले घर से मुड़ जाओ और 60 कदम आगे बढ़ो। हमें गेट के पार जाना है दोस्तों। तुमने कहां गलती की नोबिता? तुम सब लोग क्या कर रहे हो यहां? मैं तुम्हें बताता हूँ शिजुका, इसका कहना है कि लाल कार वाले घर से सीधे हाथ को मुड़ जाओ, यहाँ तो कोई सड़क नहीं दिखाई दे रही। सच कहूँ तो मुझे तो ये कार लाल नहीं नीली लगती है नोबिता। क्या, एक नीली कार? हाँ, लगता है उन्होंने पिछले साल ही नई कार ली है, वो भी नीले रंग की। तो ये बात है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बस कुछ और कदम और उसके बाद गोंडा है, फिर पहला घर आएगा। अरे ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा हम वापस से मेरे घर क्यों आ गए हैं। मेरी बात सुनो नोबिता, शायद मुझे पता है कि किस तरफ जाना है। मेरे पीछे आओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, हमें इस पेड़ के नीचे खोदना है, चलो शुरू करते हैं। देखो इसमें कुछ है दोस्तों। जल्दी करते हैं। अरे शायद यही है। अरे वाह, हमें खजाना मिल गया, हमें खजाना मिल गया, बहुत बढ़िया। टाटा, ये क्या चीज है? अरे ये तो एक लिफाफा है। लेकिन सिर्फ एक लिफाफे में मजा नहीं आता, इसलिए डैड ने ट्रेजर हंट बनाया। देखो देखो इसमें लिखा है। नोबिता, तो इसके लिए तुमने इतनी मेहनत करवाई हमसे। अरे ये तो बहुत कम है। और हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, समझा? मैंने पिछले महीने थोड़े ज्यादा पैसे ले लिए थे। काश मैं असली खजाने की खोज पर जा सकता, जैसे हमारे पूर्वजों ने कोई सोने से भरा बहुत बड़ा डिब्बा छिपा दिया हो। क्या कहा, हमारे पूर्वजों ने कुछ लिख कर छोड़ा था? हाँ, शायद कोई ऐसा कागज हो जिस पर खजाने के बारे में कुछ लिखा हो डैड। अच्छा, तो ये बात है। मुझे नहीं लगता आपके पास कुछ ऐसा है। नहीं, हो सकता है। क्या सच में? कौन सा था वो? शायद ये वाला। अरे आज से 9,000 साल पहले जब यहाँ पर जंगल ही जंगल था, तो नोबी ज़ेमोन ने इसको यहाँ पर छोड़ा था। दरअसल बात ये है कि नोबी ज़ेमोन ही हमारे पूर्वज थे। वो खेती किया करते थे और उनके पास काफी जमीन थी, वो बहुत ही अमीर थे। नोबी नोबी पर्वत पर जहाँ सूरज उगता है और छिपता है, मैंने वहाँ अपनी पीढ़ी के लिए 3,000 सोने के सिक्के रखे हैं। क्या, 3,000 सोने के सिक्के? क्या कर रहे हो? वो कहाँ छुपा है, प्लीज उसके बारे में बताइए ना डैड। जिन्हें वो सिक्के चाहिए उन्हें इन निर्देशों का पालन करना होगा। अच्छा और बताइए। इसके आगे कागज खराब हो गया है। मुझे अगर पता होता तो मैं उनको पहले ही निकाल चुका होता। सोने के 3,000 सिक्के, मुझे यकीन है अभी वही कहीं होंगे। क्या करें? काश हमें पता होता वो कहाँ है। समझा, हमें चाहिए टाइम मशीन। हम वो सोने के सिक्के ढूंढ कर ही रहेंगे। सोने के 3,000 सिक्के हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। अरे वाह, ये तो बहुत ही छोटा सा गांव है। तो अब हमें सबसे पहले नोबी ज़ेमोन को ढूंढना होगा। चलो किसी से पूछते हैं। क्या कोई है? पता नहीं क्या हुआ। हाँ, कुछ गड़बड़ लग रही है। ए, तुम यहाँ क्या
अजीब लग रहे हो। ए, सुनो, ये रकून वाला मुखौटा उतारो। मैं कोई रकून लोग नहीं हूँ। मुझे ये चोर लग रहे हैं, इनको गिरफ्तार कर लो, जल्दी करो। शुक्रिया शिजुका, तुम यहाँ? अरे तुम क्या कह रहे हो, मैं शिजुका नहीं, ओ शिजु हूँ। क्या ओ शिजु, ये कैसे? ये तो बिल्कुल शिजुका जैसी लग रही है। अच्छा मैं समझ गया। हेलो, मैं नोबिता हूँ। मैं हूँ डोरेमोन। तो नोबिता और डोरेमोन तुम दोनों निंजा हो? तुम दोनों पहले हवा में उड़ रहे थे ना, क्या मैं भी ये सीख सकती हूँ? मैं बस एक बार चिड़िया की तरह उड़कर देखना चाहती हूँ। तो बताओ ना, तुम दोनों मुझे चिड़िया की तरह उड़ना सिखाओगे, फिर मैं भी उड़ सकूंगी। बोलो डोरेमोन, वैसे इसने हमारी जान तो बचाई है। तुम भी ठीक है। नोबिता, मुझे बहुत मजा आ रहा है। इसे हम बैम्बू कॉप्टर कहते हैं, तुम्हें पता है, इसकी मदद से हम उड़ सकते हैं। ये मजा आ रहा है। ये यहाँ से ये नजारा बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे भी, उड़ना कितना आसान है ना ओशिजु। नोबिता, हम भूल गए हम यहाँ किसी काम से आए थे। सही कहा। सुनो ओशिजु, हम लोग नोबिज़ेमोन को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम जानती हो वो कौन है? हाँ हाँ बिल्कुल, उनका बेटा नोबिसाकू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बस यही है उनका घर, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। नोबिसाकू, कहाँ हो तुम? ये तो ज्यादा अमीर नहीं लग रहे हैं डोरेमोन। तुम सही कह रहे हो, लगता है वो घर पर नहीं है। पता नहीं नोबिसाकू कहाँ चला गया। हे ओशिजु, हम कुछ कहना चाहते हैं, हमारी बात सुनो। ये तो बिल्कुल जियानो सुनियो जैसे है। अरे तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए, लेकिन ये बताओ कि तुम हाँ क्यों रहे हो? बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, नोबिसाकू को कोई उठा कर ले गया है। और हाँ, उसके साथ वो कागज जिसमें सोने के बारे में लिखा था, वो भी चला गया। क्या सोने के बारे में? सोने के 3000 सिक्के। हाँ, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? अब हम क्या करेंगे? उसके तो मॉम और डैड भी खेतों में ही काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें उनको इसके बारे में बताना चाहिए। हमारे पास उसका समय नहीं है। हाँ? मैं अपने पूर्वजों को कुछ नहीं होने दूंगा और उन्हें बचाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये लोग कौन हैं? क्या तुम दोनों जानते हो कि नोबिता और डोरेमोन निंजा हैं? लेकिन ये निंजा जैसे लगते नहीं हैं। चलो हमें जल्दी से वहाँ लेकर चलो जहाँ नोबिसाकू है, हम सब मिलकर उसे बचाएंगे। अरे वाह नोबिता, तुम तो सचमुच बहुत बहादुर हो। अरे ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे, तो चलो फिर हम लोग चलकर नोबिसाकू को बचा कर लाते हैं। हाँ हाँ चलो। हे हे हे, सिर्फ मुझे ही डर लग रहा है क्या? तो ये है, अब हम क्या करें? क्या तुम्हें कुछ पता है? अब क्या करेंगे डोरेमोन? एक मिनट, इसकी मदद से हम उसे सूंघ कर ढूंढेंगे। इस तरफ चलो। अरे वाह, तो तुम अभी जिंदा हो। 19, 20, 21, अगला है पश्चिम में 8 कदम। 1, 2, 3,
चार पाँच छः सात आठ, उसके बाद गुफा के अंदर जाना है। जल्दी से अंदर जाओ सब लोग। मालिक बोलो क्या है? जरा देखिए वो तो यहीं पर है। कहाँ है? गुफा की तरफ मत देखिए, पीछे मुड़कर देखिए ना। चार पाँच छः, फिर उत्तर में 20 कदम, उसके बाद दक्षिण में 5 कदम, 1 2 3 4 5, और बस हम पहुँच गए। ये रहा बढ़िया, हम सब लोग कामयाब हो गए। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ो। अरे नहीं, मुझे डर लग रहा है। बच्चे तुम्हें जाना ही होगा। लेकिन मैं कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। जाओ उन्हें जल्दी से पकड़ो। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। ए, पकड़ा इन्हें, जाने ना पाए। इधर आओ जल्दी से। मैं बस अभी आया। तुम रुके क्यों हो नोबिता? जल्दी भागो यहाँ से। तुमने हमारा बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है। मेरी बात मानो, मैं नोबिता को नहीं हूँ, मैं नोबिता हूँ। तुम इस तरह अजीब से कपड़े पहनकर हमें बुद्धू नहीं बना सकते, समझ गए? अरे चलो अब हमें रास्ता दिखाओ जल्दी। हाँ ठीक है। शुक्र है हम बाल बाल बच गए। लेकिन क्या नोबिता और डोरेमोन पकड़े गए? हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन तुमने तो बताया था कि वो दोनों निंजा हैं। क्या कहा? अरे वो तो निंजा है ना, वो दोनों अपने आप को खुद बचा लेंगे। हाँ, नोबिसाकू, नोबिता तुम्हें बचाने के चक्कर में फंस गया, लेकिन तुम हो कि? लेकिन तुम तो डरपोक निकले। हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? ओशिजू रुक जाओ। ओशिजू क्या हुआ, तुम आगे बढ़ते क्यों नहीं हो? मुझे नहीं पता कि कैसे कदम लेने हैं। रोड पर दो राह आने तक सीधे चलते रहो। किस तरफ जाना है? बाई तरफ 32 कदम, चलो। 1 2 3। नोबिता बेचारा कहाँ फंस गया? ओशिजू मेरी बात सुनो। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? माफ करना, शायद इस तरफ है। 1 2 3 4 5 6। अरे रुको ओशिजू, मुझे जाने दो। मैं वहाँ जाऊंगा। क्या कहा? मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता ओशिजू। पता नहीं क्यों मैं नोबिता को खुद बचाना चाहता हूँ। चोरों को खजाना चाहिए, मुझे लगता है खजाना मिलने के बाद वो हम सबको छोड़ देंगे। क्या तुम्हें उम्मीद है?
बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम चुप हो जाओ। अब हमें मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए दोस्तों। मैं जा रहा हूँ। नोबिता को तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा। संभल के। चिंता की कोई बात नहीं है। माफ करना, फिर से करता हूँ। मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब लाओ मुझे ये नक्शा दिखाओ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे लिए बेकार हो। अरे ये रकून तो बोलता है। बिल्ली भी है। उन दोनों को जाने दो, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, मैं तुम्हें खजाना दिखाऊंगा। मुझे तो लग रहा है कि हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33. ये सब क्या है? हम लोग तो वहीं वापस आ गए। मजाक मत करो। अरे देखो यहाँ पर कुछ निशान है। तो क्या अब हम जा सकते हैं? मेरा थोड़ा इरादा बदल गया है। ये सही नहीं है, तुमने ये नहीं बोला था। जो मैं बोलता हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, समझ गए तुम लोग? अब तैयार हो जाओ।3000 सोने के सिक्कों के लिए ये डब्बा छोटा नहीं है क्या? शायद किसी ने मजाक किया है। हाँ ये तो बहुत छोटे सिक्के हैं। अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी सिक्के ढूंढ लिए, बहुत बढ़िया। पापा
ये कुछ कम नहीं है क्या? यही खजाना है बस। बेटा देखो, मैंने तुम्हारे लिए नए साल का तोहफा रखा था ना, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसका मतलब वहाँ पर गड्ढा भी आपने ही खोदा था। हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही समझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम्हारी खैर नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। रुको, कहाँ भागते हो? रुक जाओ नोबी साकू, तुम नहीं बन सकते। अब मुझे समझ आया, इस तरह से ये हमारे परिवार की परंपरा बन गई। शायद।